सहारनपुर में हरियाणा पुलिस ने यूपी के किसानों का धान हरियाणा में जाने से बॉर्डर पर रोका। हथनीकुंड बैराज बॉर्डर पर यूपी के किसानों की फसलों को हरियाणा पुलिस ने हरियाणा में जाने से रोक दिया है, जिससे आक्रोशित किसान भाकियू सचिंद्र राणा के नेतृत्व में हथनीकुंड चौकी पहुंचे और धरने पर बैठ गए। गुस्साए किसानों का कहना है कि जब तक उनकी फसलों को हरियाणा में नहीं जाने दिया जाता है, तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। क्या मामला है आज का? मामला यह है, हरियाणा सरकार द्वारा हमारी फसल को रोक दिया गया। यहाँ हथनीकुंड बॉर्डर पर कम से कम 70-80 ट्रोलियाँ धान की भरी खड़ी। किसान मुश्किल से 6 महीने में अपनी फसल तैयार करा और इस बार एक प्राकृतिक आपदा की वजह से 70% कम से कम उत्पादन कम हुआ और हमारा जो लेन देन है वो सारे ही हरियाणा में आड़ती के साथ चलता रहा। इस बार हमारे यहाँ का समस्या यह है कि जो हमने पहले ही 8 दिन कर्जा ले रखा था, उसका भी हम 20% उन्हें दे नहीं सकते। अगर वो 20% भी हम देना चाह तो हरियाणा सरकार हमारा धान वहाँ जाने से रोक दी, और जब तक हमारी इस पर समस्या का समाधान नहीं होता हम अपने उच्च स्तरीय पदाधिकारी से बात करेगा और जल्द ही कोई बड़ा प्रदर्शन हरियाणा के राजमार्गों पर ही करेंगे। मेरा नाम अनुज कश्यप, ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनिट। क्या मामला है आज का? मामला जी, हम धान ले जाते हर साल अपने हैदराबाद मंडी में हरियाणा में जो पड़ती है। इस बार हरियाणा सरकार ने वहाँ नोटिस सस्पेंड कर दिया कि आप अपनी फसल कहीं और बेचो, हरियाणा में आपकी फसल नहीं बिकेगी। अब ये तो पता नहीं राज्य का बॉर्डर है या अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है कि अपनी पाकिस्तान में फसल ले जा रहे हैं। हम तो हरियाणा में बेचने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं कि अपनी फसल आप पूरे देश में कहीं भी ले जा कर बेच सकते हैं। अब सीधी उनके आदेश की अवहेलना हो रही है। अब ये नहीं पता कि राज्य सरकार झूठते कि प्रधानमंत्री जी झूठते हैं। हमारे सीधी सी बात है, हमारे धान तुलने चाहिए, हमें अपने फसलों का वाजिब दाम मिलना चाहिए। किसान पहले बहुत बर्बादी के कगार पे है और सरकारें जो है ऐसे बर्बादी कगार पे और धकेल रही है उसे बचाने की बजाय। हमारी मांग यही है कि जैसे हम पहले अपनी फसल बेचते थे कहीं भी, हम आज भी बेचे और कल भी बेच सकते हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।